दैट इज पेपर 6 ऑफ सीए फाइनल्स कि मैम यहाँ पे हमको कौन सा रिसोर्स रेफर करना है, या फिर यहाँ पे जैसे कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि यहाँ पे पूरे 7 पेपर में से सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो क्या ये ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम 7 सब्जेक्ट्स की बुक्स कैरी करेंगे, या फिर यहाँ पे मार्किंग सिस्टम क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, या फिर हमने ग्रुप 1 बहुत पहले अगर पढ़ाई कर ली थी तो इस बार क्या हमको सब सब्जेक्ट्स वापस ब्रशअप करने पड़ेंगे क्या? बहुत सारे सवाल है आपके दिमाग में. सो इंस्टीट्यूट व्हाट इट हैज ट्राइड टू डू इज इट हैज कम अप विद अ नोटिफिकेशन एंड अ वीडियो जहां पे इट हैज ट्राइड टू क्लैरिफाई ऑल द स्टूडेंट्स डाउट्स. बहुत क्रूशियल इंसाइट्स मिले मुझे ये वीडियोस देख के, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो व्हिच इज गोइंग टू मेक योर जर्नी ऑफ पेपर 6 अ लिटिल बिट इजीियर. तो प्लीज मुझे ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना. एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस रिलेटेड टू आईसीएआर नोटिफिकेशन, स्टडी प्लान, स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन, गाइडेंस टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशंस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं. तो क्या करना है? सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो. नाउ लेट्स बिगिन. सबसे मेजर सवाल जो मैंने स्टूडेंट्स का देखा है कि मैम व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए हम रेफरेंस मटेरियल क्या इशू यूज करें. सी आईसीएआर हैज नॉट इशूड एनी मटेरियल येट, एंड जितना मैं देख पाई हूं यहां पे इट इज नॉट प्लानिंग ऑन इशूइंग एनी मटेरियल. अभी तक इन्होंने 15 केस स्टडीज कुछ रिलीज किए हैं. ये 15 केस स्टडीज के साथ व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज एवरी मंथ में दे आर गोइंग टू कंडक्ट 2 to 3 सेशंस. यस, 2 to 3 सेशंस ऑन आईसीआईसीए ट्यूब का चैनल जहां पे ये लोग इनसाइट्स देंगे, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेपर के बारे में आपको डिटेल गाइडेंस देंगे. तो मैं बोलूंगी सीए ट्यूब के चैनल के साथ टच में रहना जहां पे इट इज गोइंग टू कीप ऑन पोस्टिंग द केस स्टडीज और वो लाइव आके आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे. तो ये एक मटेरियल है आपके पास, ये एक रिसोर्स है आपके पास कि आपको सीए ट्यूब के चैनल पे जाना है. और जो 15 केस स्टडीज अभी तक रिलीज किया एंड आई एम प्रिटी श्योर दे आर गोइंग टू कीप ऑन एडिंग ऑन द केस स्टडीज फॉर श्योर. नंबर 2 सवाल जो आपके दिमाग में है कि फॉर्मेट क्या है. तो फॉर्मेट इज एन ओपन बुक फॉर श्योर. तो उसके बाद का सवाल क्या आता है कि मैम इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो फिर क्या हमको एग्जामिनेशन में ये सारे जो पेपर से सीए फाइनल के 7-8 सब्जेक्ट्स ये सब मटेरियल हम वहां पे कैरी करेंगे क्या? एवरीबॉडी इज आस्किंग मी द सेम थिंग, वेदर इट इज माय यूट्यूब पे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम हैंडल्स पे या मेंटोरशिप स्टूडेंट्स. अच्छा गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी कि मैम द स्लॉट्स फॉर द मेंटोरशिप प्रोग्राम हैव बीन सोल्ड आउट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मैम आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम एनरोल करना है, एंड योर विश इज माय कमांड. सो फॉर यू गाइस आई हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम. सी गाइस क्या होता है, जो अपन सीए की पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत लोनली फील करते हैं बिकॉज आजकल क्लासेस भी अपन 4 दीवारी में देख रहे हैं एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनीबॉडी. 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में लोगों को देख के इंस्पायर होते थे यार, एंड देयर वाज दिस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक स्टडी एटमॉस्फेयर बनता था जो आजकल के डेट में मिसिंग है फॉर सीए स्टूडेंट्स. तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स आई हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम जहां पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड द स्टूडेंट्स बेस्ड अपॉन द सेम गोल्स इनटू बैचेस. जैसे कि सीए इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा, ग्रुप 2 का एक बैच रहेगा, बोथ द ग्रुप्स का एक बैच रहेगा. सिमिलरली फॉर सीए फाइनल्स ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स का एक बैच, ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स का एक बैच एंड बोथ द ग्रुप स्टूडेंट्स का एक बैच. ये जो बैच क्वांटिटी रहेगी एक्सट्रीमली लिमिटेड रहेगी सो दैट आई कैन गिव यू द पर्सनल अटेंशन एज वेल. गाइस यहां पे भी देयर आर नो हायर्ड प्रोफेशनल्स. मैं लाइव आऊंगी, आपको डेली टारगेट्स दूंगी, कल कौन सा चैप्टर, परसों कौन सा चैप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, अप्रोच फॉर द सब्जेक्ट्स. आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द अदर पीपल्स डाउट्स एज वेल. यहां पे आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलेगी जहां पे आई कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एज वेल. मैं फ्रीक्वेंटली लाइव आऊंगी, आपसे फॉलो अप सेशंस लूंगी, आपको डाइट मेडिटेशन सेशंस, गेस्ट लेक्चरर्स वुड बी कमिंग इन टू गाइड यू, ऑल्सो मेंटोरशिप किट, स्टडी ट्रैकर, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स है यहाँ पे जो आपको यूजफुल रहेंगे एंड एक स्टडी एटमॉस्फेयर और एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट के साथ अपन आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार जब अपन खुद से पढ़ाई करने जाते हैं तब उतना ना पढ़ाई कर पाए, लेकिन व्हेन यू सी द पीपल हु आर इन द सेम लेवल एज यू दे आर पुटिंग इन 10-12 आवर्स रिलीजियसली, देन ऑटोमेटिकली अपन अंदर से चार्ज हो जाते हैं टू पुट इन द 100% एफर्ट्स. सो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एंड दैट इज गोइंग टू बी सेट अप इन दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम. यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेने वाली हूं मैं गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिटेल्स है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो या बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हम पूरे 7-8 सब्जेक्ट्स कैरी करने वाले हैं क्या एग्जामिनेशन हॉल में. सी गाइस मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूं, उन्होंने अच्छी बात बताई यहां पे इनफैक्ट कि सी जैसे कि आप डीटी आईडीटी तो पढ़ने ही वाले हो ना, तो डीटी आईडीटी के बारे में तो यू आर प्रिटी श्योर कि ये मुझे आता है. तो डीटी आईडीटी का इंस्टीट्यूट का सारांश बुक है. सारांश बुक क्या है, जहां पे उन्होंने बहुत ही समरी कर दिया है, सब सब्जेक्ट्स को समरी कर दिया है. तो आप डीटी आईडीटी को लेकर सारांश बुक, समरी बुक कैरी कर सकते हो यहाँ पे बिकॉज. अच्छा, ये आपको मिलेगा आईसीआई के कैप्सूल सेक्शन में. कैप्सूल सेक्शन में आपको डीटी आईडीटी का सारांश मिल जाएगा. तो डीटी आईडीटी के केस में छोटी बुक्स कैरी कर लिए. अभी ग्रुप 1 के केस में भी तो कुछ आपके स्ट्रांग पॉइंट्स रहेंगे ना, जैसे कि मुझे मैम
ऑडिट इजी जाता है या फिर लॉ इजी जाता है, इन दोनों सब्जेक्ट्स का भी समरी बुक कैरी कर सकते हो, एफआर एएफएम का आप स्टडी मटेरियल कैरी कर सकते हो। तो बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस स्टडी मटेरियल कैरी करो। जो स्ट्रेंथ है उसकी सिर्फ समरी कैरी करो, जो वीकनेसेस है उसका पूरा मॉड्यूल आप कैरी कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, वी आर नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द स्टूडेंट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ बुक्स दे आर ब्रिंगिंग। लेकिन आपको भी तो कंफ्यूजन ना हो ना वहां जाके, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जो आपको इजीली आता है उसका सारांश कैरी करो और जो आपको नहीं आता है उसका मॉड्यूल पूरा की पूरा कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड टू द रिसोर्स यू हैव टू कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। जिन्होंने पहले ग्रुप वन बहुत पहले क्लियर कर लिया है उनको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देने वाली हूं, तो स्टे ट्यून्ड। नंबर थ्री थिंग इज कि मैम यहाँ पे मार्किंग सिस्टम क्या होगा। सी गाइस, यहाँ पे पैटर्न ऐसा रहने वाला है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू फाइव केस स्टडीज पूछने वाले हैं, जिसमें से आपको कोई चार अटेम्प्ट करने हैं। हर एक केस स्टडी का 25 मार्क्स का वेटेज है। ये 25 मार्क्स में देयर आर गोइंग टू बी 10 मार्क्स व्हिच इज एमसीक्यूज एंड 15 मार्क्स व्हिच इज डिस्क्रिप्टिव। और ये जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज है, यहां पे आपको वो 5 एमसीक्यूज पूछने वाले हैं ईच ऑफ 2 मार्क्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेपर पैटर्न, दिस इज रिलेटेड टू द मार्किंग सिस्टम। ड्यूरेशन इस पेपर का रहेगा 4 आवर्स, जैसे पहले भी था ओपन बुक का, अभी भी इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट उन्होंने बोला हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर हियर। उन्होंने क्या बोला, काफी बार जो केस स्टडी पढ़ते हैं ना बच्चे वहां पे ब्लैंक आउट हो जाते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी रिलेटेड देखा है। अच्छा, यहाँ पे टू एड ऑन दे सेड कि पुराने अटेम्प्ट का मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर का मटेरियल मत रेफर करो, डोंट रेफर टू दैट बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसके बाद, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिग नो टू रेफर टू द मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जो मॉड्यूल था पहले वो मत रेफर करना। सो या वेर वॉज आई कि हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडीज। उन्होंने क्या बोला, कभी कभी केस स्टडीज डिफिकल्ट लगते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज रीड द क्वेश्चंस आस्क्ड फर्स्ट, कि सवाल क्या पूछा गया है। सवाल पूछने के बाद तो आपको इजी लगता है वो केस स्टडी, सो इट्स ऑलवेज बेटर केस स्टडी अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं एंड देन रीड द केस स्टडी अकॉर्डिंगली। इसके बाद उन्होंने जैसे कि दे सेड क्लियरली कि हाँ हर सब्जेक्ट में से हम कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं, तो यहाँ पे व्हाट मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर, एक स्टूडेंट्स है जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं, तो अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो तो मैं बोलूंगी जो 5 पेपर्स है बचे हुए, जो 5 पेपर्स है एफआर एएफएम ऑडिट, ये तो आप एनीवेज पढ़ने वाले हो, डीटी आईडीटी पे आप एनीवेज पढ़ने वाले हो, तो ये जो 5 पेपर्स है इनको ट्राई एंड फिनिश ऑफ टिल 15th of March, 15th of March तक ये 5 पेपर कर लो आप। एंड 15th of March के बाद जब आप रिविजन्स करेंगे, रिविजन्स के साथ साथ एससीएमपी और लॉ रेगुलर बेसिस पे तीन तीन घंटा कंटिन्यू रखो, तब तक और केस स्टडीज आ जाएगी और आपको थोड़ा सा और इनसाइट मिल जाएगा। पहले 5 पेपर पे कमांड लेके आओ, अभी से उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्होंने ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर लिया है, बहुत पहले, जिन्होंने रिसेंट क्लियर किया वो तो टच में है सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन जिन्होंने बहुत पहले क्लियर कर लिया है उनको क्या करना चाहिए। सी गाइस, आपको एनीवेज आपके पास 2 पेपर्स पढ़ने हैं आपको डीटी आईडीटी, मैं बोलूंगी बी क्विक, आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। डीटी आईडीटी यहां से आगे 1 महीने में खत्म कर लो, अप्रोक्सीमेटली 20th of Feb तक आपका डीटी आईडीटी कवरअप हो जाना चाहिए। 20th Feb के बाद आपको सिर्फ डीटी आईडीटी रिविजन के लिए हाफ पार्ट ऑफ द डे देना है और हाफ पार्ट ऑफ द डे टू रिमाइंड टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स। अभी सी डीटी आईडीटी तो आपने वैसे भी पढ़ लिया है, एडिशनल आपको क्या ब्रशअप करना है, एएफएम एफआर ऑडिट एंड लॉ एंड एससीएमपी, ये 5 पेपर्स है। जो मैंने ये केस स्टडीज देखे अभी तक, जो आईसीएआर ने केस स्टडीज रिलीज किए हैं, इसमें मेजरली मैंने देखा है डीटी आईडीटी में से पूछा गया है, एफआर में से पूछा गया है एंड लॉ में से पूछा गया है। डीटी आईडीटी एफआर एंड लॉ इसमें से पूछा गया है ज्यादा से ज्यादा। नाउ दे विल रिलीज द फर्दर केस स्टडीज, थोड़ा सा और आइडिया आएगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू द इनसाइट अभी तक जो हुआ है उसका। डीटी आईडीटी तो वैसे भी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ग्रुप में से जो पहले 2 पेपर्स आप पिक करो, मैं रेकमेंड करूंगी एफआर और लॉ, इसको पहले ब्रशअप करो एंड देन यू कैन ब्रशअप द अदर 2-3। तो दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड यू, कि टेंशन की बात नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है, ब्रशअप करने के लिए कोई भी फटाफट मैराथन देख लो या फटाफट आप कोई भी फास्ट ट्रैक देख सकते हो एंड रेफर टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर यू आर नॉट इन टच विद दोज नाउ, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, पूरा टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स की पढ़ाई करो एंड थोड़ा सा गेट एन इनसाइट और क्विकली ब्रशअप कर लो कॉन्सेप्ट्स के साथ, लेकिन उसके लिए डीटी आईडीटी पहले खत्म करना है। सो दिस इज फॉर ये 2 कैटेगरीज, और एक ऐसी कैटेगरी है जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो, इस बार फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी गो फॉर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट, पहले फर्स्ट ग्रुप करो फिर ही दूसरे ग्रुप की तरफ जाना, दैट इज गोइंग टू बी मच इजियर ऑप्शन फॉर यू, दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड पर्सनली। ठीक है, तो या आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा डर कम हुआ होगा, थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन मिला होगा आपको, एंड ऐसे ही जो इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम वीडियोस डालने वाला है ना उनके चैनल पे, आई वुड कीप ऑन वॉचिंग दैट,
जो भी मुझे क्रूशियल लगता है आपके एग्जाम रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे डालने वाली हूँ द समरी, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, टू स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस स्टार्ट कर दो गाइड, स्टार्ट कर दो. मे बी आईबीएस पेपर वुड रिक्वायर सम टाइम दिस टाइम, सो अप्रोक्सीमेटली अब 15th मार्च टारगेट करो कि उसके बाद मुझे आईबीएस पेपर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब तक और क्लैरिटी आ जाएगी पेपर के बारे में. ठीक है, सो या आई विल सी यू सुपर सून. बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.